मेरा नाम खेमचंद मैं 1990 में इस ईश्वरीय ज्ञान में आया मुझे दर्शनी के माध्यम से पता चला कि परमपिता परमात्मा का सही परिचय क्या था पहले मैं एक ओंकार सत्यनामकर्ता पुरय गुरुद्वारे में सात साल रहा उसके बाद जब मैं धर्मशाला में आया तो यहाँ पर मेरी नौकरी पीए पर्सनल असिटेंट ऑफिसर के साथ अटैच था तो उसके बाद मैंने तीस साल नौकरी हुई परंतु इससे पहले जब सितंबर 1990 में जब ज्ञान में चला तो ज्ञान में चलने के बाद हमें एकदम धारणा हुई धारणा होते ही हमें मधुबन ले जाया गया और मधुबन में बहुत अनुभव हुआ कि जब बाबा दादी के तन पर आया तो ऐसा लगा जैसे कोई लाइट मस्तक पर चमक रही है और मस्तक जो है चमकता हुआ नजर आता था तो वो इसका कारण था कि हम सुबह साढ़े तीन बजे उठकर अपना अमृत वेला करते थे और अमृत वेला करने से रोज सुबह सुबह की क्लास करते थे उसके बाद हम यहाँ से जाते थे तो इस तरीके से जो धारणा हुई उस धारणा के बाद जीवन में परिवर्तन आया मैं शुरू से ही कोई मदिरा मांस का कोई सेवन नहीं करता था लेकिन जैसे इस ज्ञान में आने से जो हमारे अंदर गुस्सा आवेश और ऐसी भावना रहती थी और इस जो हमारा कार्य था व्यवसाय था वो डिप्पों की नौकरी थी और टेलीफोन मुझे ज़्यादा सुनने पड़ते थे कई बार टेलीफोन के माध्यम से भी गुस्सा हो जाते थे तो इस तरीके के जो कार्य थे उसके अंदर जो है इस सहज राजयोग मेडिटेशन से हमें बहुत प्राप्ति हुई जिससे हमारा तन मन और सब आचार व्यवहार खान पान शुद्ध होने के कारण हमारे अंदर जो परिवर्तन आया उससे हमारे दफ्तर में जो स्टाफ थे उन सभी को पता चला कि ये कहाँ जाते हैं तो हमने उनको बताया कि हम परमपिता परमात्मा जो परमात्मा हैं हम उनके बच्चे हैं और ईश्वरीय स्कूल में जाते हैं वहाँ और कॉलेज में जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं तो उन्होंने इसके बारे में जानना चाहा कि ये क्या चीज़ है और वो यहाँ ऑफिस में आ, से स्टाफ यहाँ आया और दीदी से मिला और फिर उसके बाद बानुओं में बीआईपी डेलीगेट्स मधुबन में ले जाने थे जिसके लिए यहाँ धर्मशाला में बहुत बड़े बिजनेसमैन प्राण प्राणसाह उनकी फ़ैमिली और दूसरा जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए जी एस जी उनके पत्नी और मेरे ऑफिस के हम दस पंद्रह लोग जो लेके वहाँ बी डेलीगेट्स मधुबन गए और उनको भी वहाँ पर काफ़ी अनुभव हुआ तो उनको भी साथ साथ उनके साथ मैंने सेवा दी और मेरी सेवा जो थी वहाँ मधुबन में डेलीगेट्स के पा पंजाब की सेवा की टर्न के साथ मेरी वहाँ सेवा में भी ड्यूटी लगी और वो भी दी और उनको भी अटेंड किया और उनको अनुभव होने के कारण फिर हमारी जो ट्रेन थी वो ट्रेन जो है वो जाती थी यहाँ से दिल्ली दिल्ली से हम जाते थे आबू रोड उतरते थे लेकिन उस वक्त जो जी हच चम्बयाल जो चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश रिटायर हुए उन्होंने उस वक्त हम जब गए तो हम जोधपुर गए जोधपुर से हमने ट्रेन बदली तो उन्होंने बताया कि ये इसके बारे में हमने कार्रवाई करनी है तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिखाया तो उस वक्त सेंट्र मिनिस्टर जो थे वो श्री शांता कुमार जी थे उन्होंने जो है उनसे लेटर लिख उनसे मैटर टेकअप किया कि ये ट्रेन जो है जोधपुर से सीधी जम्मू तभी जो है ये अहमदाबाद कर दी जाए जिससे कि हमारे पंजाब के और हिमाचल के भाई बहनों को जाने के लिए ये ट्रेन बहुत सुविधा करती है तो ऐसे तोड़ तोड़ के जाना पड़ता है तो उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करते हुए और ये ट्रेन जो है उस वक्त से ये अहमदाबाद जुड़ गई तो इस तरीके से फिर दादी चंद्रमणि जी यहाँ आए तो हमारे तपोवन में क्योंकि जब भी किसी की सेवा करनी है तो मैं किसी ऑफिसर या किसी भी आत्मा के सामने खड़ा होता था तो मैं बाबा को सामने रखता था और बाबा का चित्र और दृष्टि के सामने दे उनके रखकर वो ऑफिसर जो है या जो भी बहुत साधु स्न्यासी जो भी संपर्क में आते थे वो कायल हो जाते थे क्योंकि बाबा का जो उनको शक्ति रेज किरणें प्राप्त होती थी तो वो खुश हो जाते थे क्योंकि मैं मॉर्निंग क्लास जो था वो मैं रेगुलर करता था उसको सुबह साढ़े तीन बजे उठकर जो है अमृत वेला करता था उस अमृत वेला के बाद यहाँ क्लास में आना था उससे बहुत उन्नति होती है इस तरीके से हमने यहाँ प्रदर्शनी सेवा की और हमारा सेवा केंद्र जो है वो बहुत उन्नीस सौ नब्बे के बाद जो है काफ़ी सेवा हुई आज जो है बहुत आत्माएं इस सेवा केंद्र से ज्ञान ले रही हैं और उप सेवा केंद्र भी नोटा सोनिया भी था शाहपुर भी खुल गया वो गगल भी खुल गया उसके बाद योल में भी खुल गया फिर एक चढ़ डबा है वहाँ भी खुल गए सारे जगह बहने हैं बैठी हुई हैं और अब तो बहुत सर्विस चली हुई है इस तरीके से सेवा करने का भी चांस मिला सबसे मुझे जो अपने अंदर एक अनुभूति हुई कि बिल्कुल शांत प्रिय एकाग्र होकर बाबा शांति से कार्य कैसे कराता है कोई आत्मा आती है हमें पहले जो हम विचित्र हो जाते थे या आवेश में आ जाते थे तो लेकिन ज्ञान में आने के बाद हम आवेश में नहीं आते थे प्रेशर होता था प्रेशर होते हुए भी हम बाबा को आगे रखते थे कि अगर जैसा होगा वो बाबा इस कार्य को कराएगा जब वो कार्य सफल हो जाता था तो फिर पता चलता था कि बाबा ने ही करा दिया जो कि ये कार्य होने वाला नहीं था कई बार अधिकारी लोग भी जिद करते थे कि हम इससे ये काम पूरा नहीं करेगा हम इसको छुट्टी नहीं देंगे लेकिन जब मैंने अपना कार्य करना तो उसके ऊपर वो कायल हो जाते थे कि ये इतना अच्छा कार्य करके भी दे दिया रात को भी बैठता है दिन को भी बैठता है और कार्य भी करता है तो जब मुझे जरूरत पड़नी तो दीदी के लिए गाड़ी भी दे देते थे और उनको पठानकोट भी छोड़ देते थे तो इस तरीके की सेवा जो है हम यहाँ पर करते थे ओम शांति